Let's get on to the most beautiful part which is the bed. फॉर द बेबी और द बेबी कॉट जिसको बोलते हैं तो बेबी कॉट इज फ्रॉम हनी हनी और इसको सिलेक्ट करने के पीछे जो मेन uh, मेरा मकसद था इट इज मेड अप ऑफ यूरोपियन पाइनवुड एंड दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट वुड फॉर मेकिंग बेबी कॉट्स इसमें टीदिंग रेल्स भी है तो इसलिए जब टीदिंग होगा बेबी का तो uh, मुझे पता है कि वो हर्ट नहीं कर देगा मतलब चोट नहीं लग जाएगी कहीं पे सो दीज आर ऑल वेरी स्मूथ स्मूथ एंड ऑल और ये जो पेंटिंग जो यूज किया हुआ है वाइट वाइट जो आप देख सकते हैं दीज आर नॉन टॉक्सिक मैंने रिसर्च में क्या बताओ आई हैव डन सो मच रिसर्च एंड जीरो डेट ऑन द हनी हनी कॉट कि मैं क्या बताऊं दिस ऑल्सो हैज लाइक अ चेंजिंग ट्रे तो आप देख सकते हैं इट इज वेरी इजीली मतलब रिमूवेबल पूरा हटा के वहां पे लेके नहीं जाना है जस्ट डायपर चेंज करना है तो आई कैन जस्ट चेंज द डायपर हियर एज वेल ये जो बम्पर्स uh, bump आप देख सकते हैं ये हेड गार्ड बंपर्स दिस लाइक स्लीप ब्लैंकेट एंड ऑल वॉट एवर इज देयर इन साइड एक्सेप्ट फॉर दिस एलिफेंट मैंने ये सब कुछ हनी हनी का ही है वेरी नाइस एंड यू नो लाइट कलर एंड ब्यूटिफुल मैं बोलूंगी इट्स लाइक आप चेन जिप वाला ये देख सकते हैं अभी मैं आ, मिस्टर हाथी को यहाँ पे सुला के रख रही हूं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द कॉट टू बी एम टी लेटर ये कॉट में ये मिस्टर हाथी नहीं रहेगा ये चेयर पे चला जाएगा हो सकता है और मुझे ये यहाँ पे ये जो ऑलिव कलर का ये जो हैड स्टैंड जो है मुझे ये कलर भी बहुत अच्छा लगा ये है इट्स अ स्टैंड जिस पे मस्कीटो नेट लगा सकते हैं इसके साथ मस्कीटो नेट भी आता है इसपे मैंने एक कॉट uh, मोबाइल भी हैंग किया है आई मीन इट कम्स लाइक अ होल पैकेज तो मुझे पूरा चीज ही अच्छा लगा उसके साथ जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इज द व्हील्स और इतना इज़ी व्हील्स है मतलब आप देख सकते हैं मतलब इस वक्त तो मैं एकदम ही नाजुक फेज में हूं बट दिस वन लाइक मूव लाइक क्रीम व्हील तो होता है लेकिन ये क्रीम जैसा व्हील है एकदम मक्खन जैसा प्लस अगर आप बोलेंगे कि व्हील होना काफी रिस्की है व्हील को लॉक करने का व्हील लॉक गार्ड भी है नाउ इट विल नॉट मूव तो व्हील को अगर उठा दे इट विल बिकम अ रॉकर ऑल्सो व्हील उठा देते ही दिस विल बिकम लाइक अ रॉकर आप नीचे देख सकते हैं द होल थिंगज अइंड ऑफ पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे जिसके लिए मैंने लिया नीचे यहाँ पे स्टोरेज है सो यू कैन एक्चुअली स्टोर जो एक्स्ट्रा बेडिंग बहुत सारी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आ गया है या आगे तो और भी हो जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें तो उसको रखने के लिए बेड के साथ ही जैसा स्मॉल स्टोरेज बिलो प्लस बहुत फ्यूचरिस्टिक होम है बहुत ही ज्यादा ये सिर्फ मतलब सिक्स मंथ्स सेवन एट मंथ्स तक के लिए नहीं है दिस यू आई मीन इट कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू अ टॉडलर बेड मतलब बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब के लिए भी यूज हो सकता है तो दिस बेड एक्चुअली एक्सटेंड्स एंड बिकम लाइक अ बिगर बेड तो यहाँ पे आपने जो ये छोटा सा मतलब ये देखा गद्दा इट इज़ लाइक दैट एक्सटेंडेड गद्दा ऑफ दैट दैट गद्दा ओके एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम हनी हनी और चक्का होने के कारण द बेस्ट पार्ट इज ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा नर्सरी तो है ही एंड uh, रात को सोते टाइम आई कैन एक्चुअली पुल दिस बेड इन टू माई बेडरूम एंड अटैच इट टू माई बेड तो मैं दिखा भी देती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला फीचर ये रेल साइड का इट इज़ फोल्डेबल एंड इट जस्ट फोल्ड आउट एंड दिस आई कैन अटैच टू माई ओन बेड एंड दिस जस्ट बिकम्स लाइक एन एक्सटेंडेबल बेड टू माई एग्जिस्टिंग बेड ताकि बेबी मेरे साथ भी रहे मेरे बाजू में भी रहे और अलग से पीसफुली सोए तो ऐसा टेंशन नहीं होगा कि मैं चढ़ जाऊंगी ऊपर ऐसा कुछ plus this can also be later used like a sofa chair or things like that very futuristic debina you've done a very good job i just loved this this is one piece of furniture in this whole room which i just loved